बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि मेरा मानना है कि आज के समय का सबसे बड़ा शिव का कोई दूत है तो हमारा नरेंद्र भाई मोदी है, तो मुझे उसको भगवान मानना है। और महाराष्ट्र में यहां से जाने के बाद हमारा भूमि पूजन है, महाराष्ट्र में नरेंद्र भाई मोदी जी का इस हिंदुस्तान में पहला भव्य मंदिर बनाऊंगा। और जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मैं आप एक बार मतलब भविष्यवाणी समझिए, आप आने वाले समय में इस देश का कोई भी गांव नहीं होगा जिस गांव में नरेंद्र मोदी भाई जैसे लोगों का मंदिर नहीं होगा। मंदिर का मतलब भगवान का मतलब क्या, निर्माण करता। यहाँ तो बाबा लोग बोलते हैं, भाषण देते हैं, अरे इसने तो बताया है, हम बोलते नहीं हैं, हम करते हैं। और महादेव की भक्ति में बस एक ही बात मैं जानता हूँ कि मैंने प्रण लिया है कि हम नरेंद्र भाई मोदी का महाराष्ट्र मंदिर बनाऊंगा। और 2 साल के अंदर ये संकल्प लिया है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां मोदी जी का मंदिर नहीं बनाऊंगा। हर हर महादेव। महागठबंधन पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से दोनों के बीच स्थान चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, बड़ा दिल की बात बताते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, हम भी कलाकार भी तो हैं, दोनों में तार लगा हुआ है, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं और गालियां भी बहुत सुने हैं, लेकिन कहीं भी जाते हैं एक ही बात कहते हैं कि दिल को दिल से मिला लेते हैं, जख्म सीने से लगा लेते हैं। हम बिहार के लोग हैं, दुनिया में कहीं भी जाते हैं वहाँ के लोगों को सीने से लगा लेते हैं। जितनी गालियाँ सुनी है हमने, और ये जो सरकार है ना बिहार का, ये हमारा दुर्भाग्य भाई साहब। अभी आप सोचिए ना, हर राज्य का मुख्यमंत्री इसमें लगा हुआ है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे हो, कैसे बाहर का व्यापारी यहाँ आवे, इंडस्ट्री लगे, रोजगार मिले। हमारा मुख्यमंत्री लग गया जाति जनगणना में, और इसी जाति जनगणना में तो हम आज सैकड़ों साल पीछे चले गए। अब कहाँ इसमें लेके जा रहे हैं जाति जनगणना में? अरे विकास की बात कीजिए, लोगों को रोजगार की बात कीजिए, ये सब बातचीत की। जाति जनगणना लगा के आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे बिहार के लोगों को फिर एक दूसरे से चलना भी नहीं चाहिए। हम तो भोलेनाथ को कहें, आप उन्हें एक बात दिल की बात बताता हूँ, जब इसी पटना की सड़कों में और मुंबई की सड़कों में भाई सुशांत सिंह के लिए लड़ रहा था, उसमें मैंने कहा था एक दिन देखना उद्धव ठाकरे, तुमने बिहार के एक बेटे को का प्राण लिया है, एक दिन देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। आज देखिए महादेव जैसी कृपा हुई, आज बर्बादी के कगार पे है। और मैं दादे के साथ कहता हूँ, जिस तरह से कुर्सी गई, पार्टी गई, चुनाव चिन्ह गया, अब वो जहाँ मातोश्री में रहता है ना, वो भी उद्धव ठाकरे का छिनने वाला है। कुल सिंह